बीच बड़ी खबर आपको सीधे यमुनानगर से दिखा रहे हैं। इस वक्त की रोजी मलिक के घर में लगी आग। हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन रोजी मलिक के घर पर लगी आग। यमुनानगर से बड़ी खबर इस वक्त की, आग से घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। यमुनानगर से बड़ी खबर, हादसे के वक्त घर पर नहीं थी रोजी मलिक। आग लगने से घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। बड़ी खबर, रोजी मलिक के घर पर लगी आग। हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन है रोजी मलिक, जिनके घर में ये आग लगी है और आग लगने की वजह से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ सुमित ओब्रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या वजह बताई जा रही है घर में आग लगने की? बिल्कुल, जो पूरी घटना सामने आई है, आज कल हरियाणा की चेयरमैन रोजी मलिक सामान है वो मिनटों की चंद समय के अंदर जलकर खाक हो गया और फायर ब्रिगेड को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी और 3 गाड़ियों ने जो है आग पर काबू पाया। और जो रोजी मलिक है, जो चेयरपर्सन समाज कल्याण बोर्ड की, वो किसी कार्यक्रम में गुरुग्राम के लिए गई थी, तो उनके जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनकी सूचना जो है उनको भी दी और वो भी वहां से अपने घर में रवाना हो गया। फिलहाल जो है कारण यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि घर का कोई भी सामान नहीं बचा। और नियमत की बात यह है कि हादसा और बड़ा हो सकता था और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचते जो घर के अंदर सिलेंडर बने थे उनको वहां से निकाला और उसके बाद जो है आग बुझाने का कार्य किया। और जैसे ही इस बात की सूचना प्रशासनिक अधिकारी को मिली, आज जिले के डीसी और एसडीएम सीसीएम समेत और यमुनानगर के विधायक और रादौर के विधायक भी जो है वहां पर घटनास्थल पर पहुंच गए थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी।